जी दोस्तों, पांच फर्टिलाइजर, पांच खादें मैंने एक साथ इकट्ठी तैयार की हैं। बहुत ही पावरफुल, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिस्ट पाए जाते हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों इस खाद में कैल्शियम का सोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिस्ट होते हैं कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, सल्फर के, फास्फोरस के। वीडियो मुकम्मल देखें, मैंने बहुत पावरफुल पांच खादें एक साथ इकट्ठी तैयार की हैं, लिक्विड खादें। दोस्तों इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, वीडियो मुकम्मल देखें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। जी दोस्तों, तो आज न्यू खाद बनाने लगी हूँ, बहुत ही पावरफुल ज़बरदस्त। दोस्तों ये देखो, ये जो है लिक्विड खाद बनानी है मैंने, ये पांच चीज़ें जो है ये मिक्स करनी है। दोस्तों वीडियो मुकम्मल देखें, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, बहुत मज़ेदार पावरफुल मैं खाद बनाने लगी हूँ, वो भी लिक्विड खाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, मैं हूँ सफ़िया, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सफ़िया होम गार्डन। तमाम दोस्तों से इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें, ताकि कोई भी आने वाला नोटिफिकेशन आपको बरवक़्त मौसूल हो सके। दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, कमेंट्स नहीं करते प्लीज़। वीडियो अच्छी लगे कमेंट्स, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक नहीं करते वीडियो देख के चले जाते हैं, ताकि हमारा हौसला बुलंद होता है कि हमारा काम आपको अच्छा लगा है, हमारा काम पसंद आया है। आपके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं कि आपको कुछ सिखा सकें, आप हमसे कुछ आपको नॉलेज हासिल हो सके, इसीलिए हम मेहनत करते हैं। मगर आप लाइक कमेंट नहीं करते दोस्तों, तो बिना देरी किए करते हैं काम शुरू, वीडियो शुरू करते हैं। बताती हूँ कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये पांच फर्टिलाइज़र मैंने सामने रखे हुए हैं, ये मिक्स फर्टिलाइज़र बनाना है मैंने, मिक्स खाद बनानी है, लिक्विड खाद। दोस्तों जी दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये हैं दोस्तों कोई 10 अंडों के छिलके। बहुत बड़ा सोर्स है इसमें कैल्शियम का। दोस्तों ये हैं कोई 4 मैंगो के छिलके, मैंगो हमने जूस बनाया था उसके छिलके मैंने कल शाम को काट के रख दिए थे। दोस्तों ये हैं 10 केले के छिलके। दोस्तों वीडियो मुकम्मल देखा करो, फिर एंड में कुछ दोस्त लिख देते हैं जी फलां चीज़ जो है उसका कितना ग्राम होनी चाहिए, कितना वज़न होनी चाहिए। मैं तमाम चीज़ें बताती रहती हूँ, ऑर्गेनिक खाद है, ज़्यादा कम भी हो सकती है तो कोई मुश्किल नहीं है, मगर तवज्जो से सुनेंगे तो समझ आएगी। मैं तो एक एक चीज़ समझा के बता रही हूँ। ये जो है एक मुट्ठी, ये नीम के पत्ते हैं, ये देख रहे हैं एक मुट्ठी, इसको बिल्कुल ऐसे ही बारीक कर लेना है। और ये जो है चाय पत्ती, ये भी दोस्तों एक मुट्ठी, ठीक हो गया। ये समझेंगे, मुकम्मल वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए, तो आपको तमाम वीडियो समझ आएगी कि मैंने क्या क्या बताया है। दोस्तों ये तमाम जो खाद बनाने लगी हूँ इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, तमाम चीज़ें जो है इनका सोर्स है। बहुत ज़्यादा हमारी जड़ों को, पौधे जितना हम उगाते हैं, जर्मिनेट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ताकत पहुंचाती है लिक्विड खाद जो है, बहुत जल्दी असर करती है। अगर ये पाउडर फॉर्म में दें दोस्तों तो इतना जल्दी असर नहीं करेगी जितना ये जल्दी असर करती है। तो दोस्तों ये सब कुछ पानी में मिक्स करना है और 5 दिन इसको रखना है। दोस्तों ये 1.5 लीटर मैंने पानी भर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने एक मुट्ठी चाय पत्ती डाल दी है इसमें, एक मुट्ठी मैंने नीम के पत्ते डाल दिए हैं जो कि बहुत कड़वे होते हैं, जो कि हमारे पौधे हैं उनकी जड़ों में कीड़ा लग जाता है दोस्तों, तो ये पानी जो कड़वा होगा बिल्कुल, ये नीम का ये फ़ायदा है कि कीड़ा मकोड़ा कोई भी फंगस अटैक नहीं करेगी हमारी मिट्टी में। दोस्तों ये मैंने केले डाल दिए हैं, ये 3 चीज़ें डाल गई। ये जो है ये मैंगो के छिलके ये डाल दिए हैं दोस्तों, ये 4 चीज़ें हो गई। ये जो है दोस्तों इसको जो है थोड़ा सा ऐसे इसको तोड़ लेते हैं हाथ की मदद। दोस्तों ये 10 अंडे के छिलके थे, ये देखो, ये ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको, ऐसे ही इतना ही बारीक करना है। ये दोस्तों ये सब कुछ मैंने मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों ये 5 लिक्विड जो है ना खाद तैयार होंगी, 5 चीज़ों की, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खाद तैयार होगी इंशाल्लाह। दोस्तों मिलते हैं, इसे बंद कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं, ढक्कन बंद कर रही हूँ, मिलते हैं 5 दिन के बाद। जी दोस्तों ये छांव वाली जगह पे रखना है, बिल्कुल धूप पे सनलाइट पे नहीं रखना, वहाँ पे रखना है किसी विंडो में, किसी ऐसी जगह पे
जहाँ सूरज की रोशनी भी आती रहे और छांव भी रहे, ऐसी जगह पर, या तो दरख्त के साए के नीचे रखना है या फिर कमरे में विंडो में रखना है जहाँ हवा का आना जाना हो, हवा की क्रॉसिंग हो, किसी अंधेरी जगह पे या फिर बंद स्टोर में दोस्तों नहीं रखनी। मिलते हैं 5 दिन में। जी तो दोस्तों 5 दिन के लिए ये फर्टिलाइज़र रखा था, मगर आज 6ठा दिन है। कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कल दोस्तों माजरत, कल शाम को वीडियो बनानी थी, नहीं बना सकी। आज इसे 6ठा दिन है, यानी 6वां दिन है आज। अभी सुबह का टाइम है, अभी ये बनाने लगी हूँ। हमारा फर्टिलाइज़र बिल्कुल दोस्तों तैयार हो चुका है, तो अभी इसे जो है मुकम्मल करते हैं। बताती हूँ आपको इसका तरीकाकार, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कितना पानी डालना है। दोस्तों ये मैंने तकरीबन 10 लीटर पानी डाला है, डम में रखा है। आप चाहें तो दोस्तों 20 लीटर भी कर सकते हैं, 15 लीटर भी कर सकते हैं, 10 लीटर भी कर सकते हैं, 8 लीटर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऑर्गेनिक खाद है, ये केमिकल वाली खाद नहीं है, इसीलिए इसका कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा तो है, नुकसान कोई नहीं हो सकता। एक बात, दूसरी बात ये कि हर 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद तमाम जितना आपके फ्लावर वाले पौधे हैं, फ्लावर वाले, फूलों वाले, आपके वेजिटेबल, आपकी जितना तमाम सब्जी हैं विंटर सीज़न की या समर सीज़न की, कोई भी आपके पास सब्जी है, तमाम सब्जियों को दोस्तों ये दे सकते हैं, विंटर सीज़न में दे सकते हैं, समर सीज़न में भी दे सकते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र है दोस्तों। तो अभी करते हैं शुरू, दिखाती हूँ आपको फर्टिलाइज़र, हमारी खाद कहाँ तक पहुँची। तो दोस्तों इसका ढक्कन जो है हम खोल लेते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से। ये देखो हमारा फर्टिलाइज़र जो है दोस्तों, हमारी खाद, बल्कि दोस्त कहते हैं खाद बोला करो जी, खाद बोल दिया, हमारी खाद जो है ज़बरदस्त तरीके से। ये देखो 5 चीज़ें मैंने डाली थी आपके सामने, ये 5 खादें जो हैं मिक्स करके दोस्तों मैंने तैयार की हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके। इसको दोस्तों बना के छन्नी की मदद से, जुगाड़िया छन्नी मैंने बनाई है, इसको पानी में डालते हैं। देखो दोस्तों ये अंडे के छिलके भी मैंने जो डाले थे 10 अंडों के, ये देख सकते हैं बिल्कुल घुल के अट्टा मिट्टी हो गए हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा सोर्स है कैल्शियम का, ये जो हमारे अंडे होते हैं ना दोस्तों, जो खाते हैं घर में अंडे, बिल्कुल नहीं फेंकने, इनको धो के फिर इनको धूप, टाइट धूप पे सुखा लें, 2-3 धूपें लगवा लें, फिर अपने घर स्टोर करके रखते जाएं। बहुत अच्छा सोर्स है सर्दी गर्मी का, ये बहुत ज़्यादा सोर्स है, अपनी सब्जियों को बहुत ज़्यादा ताकत पहुँचाता है दोस्तों। बहुत बड़ा सोर्स है ये जो अंडे होते हैं ना कैल्शियम का, बहुत बड़ा सोर्स है। जैसे इंसानी जिस्म को कैल्शियम की कमी होती है, ज़रूरत होती है कैल्शियम पूरा करने की, चीज़ें हम खाते हैं कैल्शियम पूरा होता है, ऐसे ही हमारे पौधों को, हमारी वेजिटेबल सब्जियों को दोस्तों कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए अंडे जो हैं इनका बहुत बड़ा काम है कैल्शियम की कमी पूरी करने में। तो ये देखो दोस्तों ये बिल्कुल मैंने, ये देख सकते हैं अट्टा मिट्टी सब कुछ हो चुका है, इसको छान लेते हैं अब। जी तो दोस्तों इसे जो है ये छन्नी की मदद से छान लेते हैं, मैंने जुगाड़िया छन्नी बनाई हुई है, टूटी फूटी छाबी थी मैंने इसको छन्नी बना कर रखा हुआ है। ये जी तो दोस्तों ये देखो ज़बरदस्त तरीके मेरा फर्टिलाइज़र, यानी कि मेरी खाद, लिक्विड खाद तैयार हो चुकी है। 10 लीटर पानी में मैंने मिक्स की है, आप जितना दिल चाहे आप पानी में मिक्स कर सकते हैं, ज़्यादा पौधे हैं तो आप 20 लीटर पानी कर सकते हैं, 15 लीटर पानी, 18 लीटर, 10 लीटर, बिल्कुल कम है तो 8 लीटर कर लें, जितना आप डालें, कम ज़्यादा कोई इशू नहीं है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों ये जो निकला है इसमें से कचरा, दोस्तों इसको 2 धूपें लगवा लें, धूपें लगवा के, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त खाद का काम करती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें। तो इसको जो है फिर दोस्तों पौधों के इर्द गिर्द गोड़ के, गोडी करके थोड़ी थोड़ी, एक एक दो दो मुट्ठी इधर से इन पत्तों की, ये जो कचरा है सूखा सुखा के,
एक एक मुट्ठी चार चुफेरे गोडी करके पौधों के इर्द गिर्द डाल दें। जितना भी वेजिटेबल सब्जियां आपके फ्लावर प्लांट हैं, जो भी आपके पास प्लांट हैं दोस्तों, ऊपर मिट्टी दे दें, पानी लगा दें। ये डीकम्पोज भी होती रहेगी और बहुत ज़्यादा ताकत भी हमारे पौधों को फराहम करेगी। ठीक हो गया दोस्तों, ये रखते हैं साइड पर। अभी लेते हैं गिलास। बिस्मिल्लाह, ये देखो दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये लिक्विड खाद हमारी तैयार हो चुकी है। देखो, एक एक प्लांट को मैंने यही देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्लावर प्लांट है मेरा, इसको तो आप जानते ही हैं, एलोवेरा प्लांट। ये मेरे पॉपकॉर्न, ये दोस्तों ये पॉपकॉर्न है, ये आग का पौधा, इस पर मैंने वीडियो बनानी है, मैंने खुद घर में तैयार किया है, लगाया। ये मेरे मक्की के पॉपकॉर्न, किसी को समझ ना आए, ये मेरे मक्की के प्लांट हैं दोस्तों। इसके अंदर मैंने ये देखो प्याज उगा रखे हैं, चार प्याज हैं, ये जर्मिनेट हो रहे हैं, जैसे कुछ बड़े होंगे ये भी आपको दिखाऊंगी। एक ही कंटेनर से दोस्तों दो तीन चार चार काम मैं तो ले ही लेती हूँ जुगाड़ से। जितना पौधे की रिक्वायर हो, जितना बड़ा प्लांट है तो दो गिलास, डेढ़ गिलास, अगर छोटा प्लांट है, छोटा कंटेनर है तो फिर एक गिलास। दोस्तों ये कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाई है, एक पौधे से 100 पौधा इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके इनकी ग्रोथ हो रही है, अच्छे तरीके, ज़बरदस्त तरीके। एक दिन आएगा ये बहुत ज़्यादा फ्लावर होंगे इस पर, वो भी वीडियो बनाऊंगी। इसको एक गिलास दे दिया मैंने। ये है मेरा न्याजबो का प्लांट, ये भी न्याजबो का प्लांट है, ये भी न्याजबो का प्लांट है, ये लोबिया के प्लांट हैं, ये जामन का है, ये भिंडी का है, ये आ गया जी मेरा बैंगन का प्लांट, इसे दो गिलास देने हैं। ये भी दोस्तों, ये देखो, ये भी मेरे पॉपकॉर्न के प्लांट हैं दोस्तों। दिखाने का एक ही मकसद है कि ताकि आपको पता चले कि तमाम जितना प्लांट है आप सबको दे सकते हैं। ये न्याज वो फिर कहूँगी, हार्वेस्ट करने का अभी टाइम नहीं है, अगली वीडियो इंशाल्लाह इसकी हार्वेस्टिंग होगी। इसके बीज जो है संभाल के रखने हैं मैंने, फिर से मैंने ग्रो करवाने हैं बीज इसके कंटेनर में। ये भी पॉपकॉर्न भी हैं और न्याजबो का प्लांट भी है, माशाल्लाह बड़ा सारा। ये देखा आपने, ये मैंगो प्लांट है, इसको एक गिलास दे दी। ये मेरे तुलसी के प्लांट हैं, एक गिलास इनको दे दिया है। ये जामुन के प्लांट हैं दोस्तों, इसमें नन्हे मुन्हे मैंने टमाटर लगाए थे, काट के सबूता टमाटर लगाया था अभी पौधे। ये देखो छोटे छोटे मेरे नन्हे मुन्हे पौधे तैयार हो रहे हैं, टमाटर की पौध। तो ये जामन के प्लांट हैं, ट्रांसप्लांट इन्हें करूँगी जब ये पौध तैयार होगी मेरी टमाटर की, ये निकाल लूँगी कहीं और लगाऊँगी टमाटर। फिर ये जामन के जो पौधे हैं मेरे दो, इसको बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट करना है। तो दोस्तों चलते हैं आप छोटे मिनी गार्डन में बाहर। जी तो आ गए मिनी गार्डन में। ये देखो, ये न्याजबो के प्लांट हैं दोस्तों, इसमें अभी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो फ्लावरिंग हो रही है हमारे न्याजबो के प्लांट को। ये एक पौधा पॉपकॉर्न का मैंने लगाया था, ये मेरे भिंडी के प्लांट हैं, दो गिलास इसमें डाल दिया है। ये भी भिंडी के प्लांट हैं, ये मैंगो और किकर लगाया हुआ मैंने, साथ जामन है। ये हमने अपनी टाली का प्लांट लगाया हुआ है, इसमें भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा बैंगन का नन्ना मुन्ना सा छोटा सा प्लांट है। ये है जी हमारा रिहाने गुल, तुख मलंगा, न्याजबो, तुलसी और मुश्क बबरी। अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी एक गिलास जो है दे देते हैं दोस्तों। इसमें सफ़ेद तेला जिसे कहा जाता है, आज देख रही हूँ, कल कुछ देखा था, ये बारीक बारीक सा, ये देखो सफ़ेद तेला इसने अटैक किया हुआ है। आज इस पर वीडियो बनाती हूँ, कोई देखती हूँ कि इसको किस तरह भगाना है। बिल्कुल ये देखो वाइट वाइट सा, बिल्कुल बारीक सा। ये भी हमारे भिंडी के प्लांट हैं, इसमें भी दो तीन गिलास डाल देती हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ चाहते हैं इजाज़त, रब रखा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप भी अमल करेंगे, अपने पौधों पर इस तरह के 5 फर्टिलाइज़र देंगे।